गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जीवन के हर पहलू में गहरी समझ देती हैं और सब्र पर आधारित एक कहानी हमें जीवन में धैर्य और सहनशीलता का महत्व सिखाती है। यह घटना उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों की यात्रा कर रहे थे और अपने ज्ञान का प्रसार कर रहे थे। एक दिन वह अपने शिष्यों के साथ एक गाँव पहुँचे जहाँ एक जिज्ञासु व्यक्ति ने उनसे मुलाकात की। वह व्यक्ति बुद्ध से एक ही प्रश्न बार बार पूछ रहा था, सब्र क्या है, सब्र का असली अर्थ क्या है। बुद्ध ने उसे सुना लेकिन उसके प्रश्न का तुरंत उत्तर नहीं दिया। बुद्ध शांत और स्थिर रहे। व्यक्ति ने बार बार वही सवाल पूछा लेकिन बुद्ध ने अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर शिष्य और अन्य लोग भी सोचने लगे कि बुद्ध ने उसका उत्तर क्यों नहीं दिया। कुछ समय बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, तुम कल सुबह नदी के किनारे आना, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। व्यक्ति को यह सुनकर थोड़ी निराशा हुई क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसे तुरंत उत्तर मिलेगा, लेकिन उसने बुद्ध की बात मानी और अगले दिन समय पर नदी के किनारे पहुंचा। नदी के किनारे पहुंचने पर बुद्ध ने उस व्यक्ति को पानी में प्रवेश करने के लिए कहा। व्यक्ति ने बुद्ध की बात मानी और धीरे धीरे नदी में चला गया। बुद्ध ने फिर कहा, अब अपने दोनों हाथों से पानी को पकड़ने की कोशिश करो। व्यक्ति ने दोनों हाथों से पानी को पकड़ने की कोशिश की लेकिन जितना वह कोशिश करता पानी उसके मुट्ठी से फिसल जाता। उसने बार बार प्रयास किया लेकिन हर बार असफल रहा। उसके मुट्ठी से पानी उतनी ही तेजी से बाहर निकल रहा था जितनी तेजी से वह उसे पकड़ने की कोशिश करता था। देखकर व्यक्ति निराश हो गया। जब गौतम बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, यह देखो तुम पानी को जितनी जल्दी पकड़ने की कोशिश कर रहे हो वह उतनी ही तेजी से फिसलता जा रहा है। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। सब्र का मतलब है धैर्य रखना और समय के साथ बहने देना। जब तुम चीजों को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हो तो वे और दूर चली जाती है। जीवन में भी अगर तुम जल्दबाजी में हर चीज पाना चाहोगे तो उसे खो दोगे। सब्र का मतलब है खुद को शांत रखना और सही समय का इंतजार करना। बुद्ध की इस बात से व्यक्ति को समझ में आया कि सब्र का अर्थ है हर परिस्थिति में धैर्य रखना और जीवन की घटनाओं को समय के साथ स्वाभाविक रूप से होने देना। चीजों को जबरन अपनी मर्जी से जल्दी प्राप्त करने की कोशिश करने से वे और कठिन हो जाती है, जबकि धैर्य और समझदारी से उन्हें समय आने पर प्राप्त किया जा सकता है। गौतम बुद्ध ने अंत में कहा, जैसे यह पानी तुम्हारी मुट्ठी से फिसल गया वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी हैं। अगर तुम धैर्य रखोगे तो सब कुछ समय के साथ तुम्हारे पास आएगा। सब्र का अर्थ है जीवन की धारा के साथ बहना, न कि उसे नियंत्रित करने की कोशिश करना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में धैर्य और सब्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कठिन परिस्थितियों में भी शांति बनाए रखना और सही समय का इंतजार करना ही सच्चे सब्र का परिचय है।